हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस सीरीज ऑफ टॉक्स ऑन कम्युनिकेशन। आपका हार्दिक स्वागत है फिर से इस वार्ता श्रृंखला में जो हम संप्रेषण या संचार विषय पर करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है पिछली बार जो हमने बातचीत की वो कुछ हद तक आप तक पहुंची होगी, लेकिन फिर आपकी याददाश्त के लिए वी शैल रिकैपिचुलेटेड ब्रीफली। मैं आपको कुछ हद तक थोड़ा सा याद दिलाऊंगा हमने कहां से शुरू किया था, कहां तक पहुंचे थे, ताकि आपको आगे समझने में थोड़ी आसानी रहे। संप्रेषण यानी संचार, जिसे जो कम्युनिकेशन को हिंदी में कहा जाता है, हम आमतौर पर समझते हैं कि इंसानों के बीच विचारों सूचनाओं का आदान प्रदान, ये हम सब बात कर चुके हैं। हमने इस संबंध में एक इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्शन में हमने ये समझा था कि यह सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं है, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत होती हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको वह सब याद होगा, फिर भी अगर आपको जरूरत हो आपको रेफर कर सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो हमने चर्चा की थी, महत्व की, कि कम्युनिकेशन कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। महत्व इसलिए कि हमारे जीवित रह पाने के लिए ही वह अत्यधिक आवश्यक है, और खाली हमारे लिए नहीं, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, तकरीबन समस्त जीव जंतुओं के लिए, जहां भी जीवन है वहां कम्युनिकेशन है। कुछ एरियाज में हम उतना उसको ज्यादा जानते नहीं है, पेड़ों के बीच बारे में। बहरहाल मैंने आपको जैसा कि बताया था कि पेड़ भी कम्युनिकेट करते हैं, पॉलिनेशन या परागण के लिए, पशु पक्षियों कीटों को आकर्षित करने के लिए फूल सुंदर सुंदर सुगंध है, और पॉलन यानी शहद जिससे बनता है, वह सारी चीजें पेड़ों की इसीलिए होती है कि परागण हो, उन तक पशु पक्षी आए, उनके परागकणों को ले जाकर दूसरे वृक्षों तक पहुंचाए। खैर, हमने यह भी देखा था कि कैसे यह इंसानी सभ्यता के पहले से होता आ रहा होगा, तभी जीव जानवर करते हैं, और इंसानों ने तो सर्टली बिना कम्युनिकेशन के यहां तक ना पहुंचे होते अपने 2-3 लाख साल के इतिहास में, ग्रुप एक्टिविटीज वगैरह वगैरह, ये सारी हमने चीजों पर चर्चा की थी। इसके उपरांत हमने बात की थी टाइप्स यानी प्रकारों की, और जो आपको याद दिलाने के फिर से, वैसे तो बहुत अनेकानेक प्रकार हैं कम्युनिकेशन के, लेकिन हम 3 मेजर तरह से उसको विभक्त करते हैं। एक है इंट्रा वर्सेस इंटर पर्सनल। पर्सनल शब्द पर्सन से आया है, यानी व्यक्ति सब। इंट्रा मींस एक व्यक्ति के अंदर, और इंटर मींस एक से ज्यादा व्यक्ति के बीच में, या तो दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में। तो इंटरपर्सनल में दो व्यक्तियों का कम्युनिकेशन, बहुत व्यक्तियों का, समूह का, छोटे समूह का, मैस कम्युनिकेशन, अतः वगैरह वगैरह, वो सारे पे हम विस्तार से चर्चा हमने की थी। हमने इंट्रा कम्युनिकेशन पर ज्यादा बात नहीं की थी, क्योंकि ये एक विषय विवाद का है। बहुत सारे लोग विषय विशेषज्ञ मानते हैं कि हम अपने अंदर भी कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि हम सपने देखते हैं, हम अपने आप से भी तो बात कर रहे होते हैं, अपने आप को सिखाते हैं, कई बार लोग अपने आप से बोलते हैं, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा अभी ये साइकोलॉजी के रियल का है, इसको अभी हम कम्युनिकेशन के अंतर्गत बहुत ज्यादा नहीं मानते, और चूंकि ये काफी दुरूह विषय है इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम अपने को सीमित रखेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के तक। दूसरा हमने विषय विभेद जो किया था वह था वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल माने शाब्दिक और नॉन वर्बल माने गैर शाब्दिक। शाब्दिक मतलब जहां शब्दों का प्रयोग हो, और गैर शाब्दिक जहां शब्दों का प्रयोग ना हो। तो वैसे तो हम आमतौर पर जो हमारी भ्रांति है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, यह है कि हम शब्दों से
संप्रेषण करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत बहुत अनेकानेक स्टडीज हुई है जिनसे पाया गया है कि 3/4 से लेकर उससे ज्यादा भी कम्युनिकेशन का हिस्सा गैर शाब्दिक होता है। हम हाव भाव से, भंगिमाओं से, आवाज के उतार चढ़ाव से, कैसे किस ढंग से कपड़े पहनते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत वृहद विषय है। अतः हम इस वार्ता श्रृंखला में आज उस पर बात नहीं करेंगे, संभवतः कभी भविष्य में एक पूरा सेशन हम इसी पर केंद्रित रखेंगे। तो वर्बल के अंतर्गत आते हैं ओरल और रिटन। शब्द जैसा कि हम जानते हैं, हम सब समझते हैं, या तो बोले जा सकते हैं या लिखे जा सकते हैं। बोले वालों को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो में, ऑडियो में वगैरह वगैरह, लिखने में पेन से, कागज पर, इंटरनेट पे, एसएमएस, ईमेल वगैरह वगैरह। सो आम तौर पर जो हम आम व्यक्ति समझता है वो इस कम्युनिकेशन को ही कम्युनिकेशन मानता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा कम्युनिकेशन की विस्तार अत्यधिक है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सब आप कर चुके हैं, समझ चुके हैं, और आज हमने फिर से रिकैपिचुलेट किया है। हम अपने आप को सीमित रखेंगे फिलहाल इस सेशन में, और संभवतः अगले सेशन में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑफ द वर्बल काइंड पर। कुछ हद तक हम नॉन वर्बल पे जाएंगे, लेकिन हम इंसानों का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बाहर नहीं जाएंगे, हम गैर इंसानी कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पर बात नहीं करेंगे। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने अच्छी तरह करने के उपरांत मैंने आपको थोड़ा सा हवाला दिया था और दो बातों का, वो था स्टेप्स एवं प्रोसेस। स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, आज मैं उसमें एक एस्पेक्ट और जोड़ रहा हूं, एलिमेंट्स, या उसको आप तत्व कह सकते हैं, क्योंकि इन तीनों में बहुत साम्य है, काफी हिस्सा ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे जब मैं इनकी लिस्टिंग करूंगा अभी कि बहुत कुछ जानकारी आपको कॉमन दिखेगी, तथापि इन तीनों में विभेद है, वह मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आज का सेशन प्राइमरीली इस पर फोकस्ड रहेगा। तो स्टेप्स, जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, ये है पहला आइडिएशन, दूसरा एनकोडिंग, तीसरा ट्रांसमिशन, चौथा डीकोडिंग, और पांचवा फीडबैक। प्रोसेस यानी प्रक्रिया, इन्हीं स्टेप्स को जब एक श्रृंखला में परिमार्जित तरह से किया जाता है, अच्छी तरह से किया जाता है, तो कम्युनिकेशन होता है, वही उसकी प्रक्रिया हो गई। तो प्रक्रिया में क्या होता है कि पहले एक सेंडर होता है, सेंडर के बाद मैसेज आएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, याद भी आ रहा होगा पिछली बार से। मैसेज क्रिएट होने के बाद उसका ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन होने के बाद रिसीवर तक पहुंचेगा, रिसीवर दो कदम में काम करेगा, रिसीवर पहले उसको डिकोड करेगा और उसके उपरांत
रिसीवर फीडबैक देगा। तो अगर आप ये आप समझ चुके हैं पिछली बार, अगर आप देखेंगे यह तकरीबन सेम है, सिर्फ फर्क यह है कि ये स्टेप्स है, कदम है, और यहां पर आप उनको कदमों को एक श्रृंखला में समझाया गया है। मैं आपको फिर ब्रीफली याद दिलाता हूं, इंसानी दिमाग कभी शब्दों में नहीं सोचता या किसी मैसेज के रूप में नहीं सोचता, वह विचारों के रूप में सोचता है। उसे कहते हैं आइडिएशन। किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन जब शुरुआत होती है उसकी, वह विचार के माध्यम से होती है। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, सपने भी हम विचारों में देखते हैं। हमको जब सुबह सपने याद भी आते हैं तो हमें यह याद रहता है कि सपने में क्या हुआ था, लेकिन कौन से शब्दों का आदान प्रदान हुआ था वह बहुधा हमें याद नहीं रहता, क्योंकि दिमाग विचारों में सोचता है। आइडियाज हमेशा विचार में आते हैं, लेकिन एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक विचार पहुंचे कैसे, उसका कोई तरीका तो है नहीं। कम्युनिकेशन की यही एक बड़ी कमी थी, जिसको दूर करने के लिए इंसान ने एनकोडिंग ढूंढी। एनकोडिंग यानी विचारों को किसी तरह से ऐसे माध्यम में बदलना, एक प्रक्रिया से जो दूसरे सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। तो एनकोडिंग मींस कोड अटैच करना। मैंने आपको समझाया था सेब के माध्यम से, ये डस्टर के माध्यम से, कि अगर मैं इसको पेन कर बोल दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर विश्व का हर व्यक्ति इसको पेन बोलने लग जाए तो इसके लिए कोड पेन हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस वाले लोग इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि उनके यहां तो स्टैंडर्ड्स का जो पूरा बेसिस होता है, एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज के बीच में कन्वर्जन की प्रक्रिया, कीज होती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सो ये कोड्स होते हैं। वह विचार एनकोडिंग के माध्यम से मैसेज में परिवर्तित हो जाता है। अब आप देख रहे हैं ये दोनों बातें कितनी साम्य है। एक सेंडर है जो व्यक्ति आइडिएटर भी है, सेंडर है जो मैसेज भेजेगा या जेनरेट करेगा। सेंडर ने आइडिएट किया, एनकोडिंग के माध्यम से मैसेज बनाया, उस मैसेज को ट्रांसमिशन, दोनों जगह ट्रांसमिशन है, भेजा गया। अब यहां पर समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं मैसेज शब्द के माध्यम से ही भेजा जाए। मैंने आपसे कहा था कि इंसानी दिमाग विचारों में सोचता है, शब्दों में नहीं सोचता। तो गुस्सा आ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम गुस्से को ABCD या क ख ग के माध्यम से ही कर सकते हैं। उसको एनकोडिंग के और तरीके भी हो सकते हैं। हम भवे तरेर कर, आवाज ऊंची कर कर, आंखें लाल करके भी गुस्सा प्रदर्शित कर सकते हैं बिना एक भी शब्द का आदान प्रदान हुए। तो आप ध्यान समझिएगा, शब्दों के बिना भी बहुत आसानी से एनकोडिंग हो जाती है, बल्कि ज्यादातर हम ओरल कम्युनिकेशन में एनकोडिंग गैर शाब्दिक ही करते हैं। वह एनकोडिंग होने के बाद मैसेज बनता है, वह मैसेज ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट होने के बाद रिसीवर को प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं यह सारी प्रक्रिया एक साथ चल रही है। सेंडर ने आइडिएट किया, एनकोड किया, मैसेज जनरेट किया, मैसेज को ट्रांसमिट किया, और ट्रांसमिटेड मैसेज रिसीवर तक पहुंचा। रिसीवर ने उसको डीकोड किया। डीकोड क्या है? डीकोड रिवर्स प्रोसेस है। आप भी इसको डस्टर के रूप में समझते हैं, मैं भी डस्टर के रूप में समझता हूं। तो मैंने आपसे कहा ये डस्टर लो, आपके दिमाग ने उसको डीकोड किया कि यह वस्तु डस्टर है और मैं आपको दे रहा हूं। अब अगर जैसे डीकोडिंग और एनकोडिंग में गड़बड़ हो, अगर मैं कहूं कि यह चश्मा लो या ये पेन लो, तो आप डीकोड करने में एरर कर जाओगे। आप कहोगे ये क्या कह रहा है सज्जन कि ये दे डस्टर रहे हैं लेकिन चश्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर इसे एनकोडिंग एरर्स कहा जाता है। हम इस पर आएंगे अभी, हम जब एलिमेंट्स में यहां लिस्टिंग करूंगा आपको इन एरर्स पर भी हम बातचीत करेंगे। सो डीकोडिंग के लिए जो की या कोड यूज किया जाए, इट हैज टू बी द सेम और सिमिलर टू द की और कोड यूज फॉर एनकोडिंग। सो द सेंडर आइडिएट्स, एनकोड्स, जनरेट्स अ मैसेज, ट्रांसमिट्स द मैसेज विच इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर हु डीकोड्स द मैसेज। तो हमने देखा कि स्टेप्स और प्रोसेस में बहुत सारी समानताएं हैं, वैसे ही एलिमेंट्स
में भी बहुत कॉमन मिलेगा, लेकिन जैसा कि हम दोनों हमने इन दोनों के बीच में देखा, ये दोनों में फर्क भी है। ठीक है, मैं आपको 1-2-3 बार जानबूझकर तीनों बगल बगल दिखा रहा हूं ताकि आप उसके बीच का फर्क समझ पाए। अब हम एलिमेंट्स या उसके तत्वों की लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, पहला है सेंडर या एनकोडर, सेम व्यक्ति है, सेंडर और एनकोडर सेम है। दूसरा है मीडियम, तीसरा है चैनल, चौथा है रिसीवर हु इज ऑल्सो द डिकोडर। इसके बाद है अगला तत्व है फीडबैक, कॉन्टेक्स्ट। ये आपको मैं भी समझाता हूं, ये थोड़ा समझने की जरूरत है, इसको हम हिंदी में कहेंगे संदर्भ। और ये है नॉइज यानी शोर, जिसको हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा, सेंडर ने एनकोड किया, पहले आइडिएट किया, आइडिएट एनकोड किया, यहां पर एनकोडिंग के बाद मैसेज क्रिएट किया। ठीक, मैसेज केवल कंटेंट नहीं है, वह कंटेंट कैसे प्रस्तुत करना है यह भी मैसेज का ही हिस्सा है। मैंने पिछले वार्ता में आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप क्लास में हैं और आपसे आपके गुरुजी एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, आपको वो उत्तर पूरी तरह से मालूम नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या आपको लग रहा है कि यह दो में से एक उत्तर हो सकता है, या मतलब यह लग रहा है कि दोनों उत्तर भी सही हो सकते हैं आधे अधूरे। अब आप देखिए, उस प्रश्न का उत्तर यानी आपका मैसेज का एनकोडिंग या मैसेज जो आप दे रहे हैं उत्तर के रूप में, वह तो एक उत्तर है, लेकिन साथ साथ आपका मैसेज के अंतर्गत आपका आइडिया और क्या क्या जा रहा है। आप यह सोच रहे हैं कि यह उत्तर सही होने की संभावना है, लेकिन यह उत्तर भी सही हो सकता है, और दोनों भी सही हो सकते हैं आधे अधूरे, और आपको यह लग रहा है अगर मैंने गलत उत्तर दिया तो मेरी किरकिरी हो जाएगी या मेरी थोड़ी सी मेरे गलत इंप्रेशन पड़ेगा। ध्यान दीजिए, तो मैसेज इज नॉट ओनली द कंटेंट, द आंसर दैट यू गिविंग, इट इज ऑल्सो द अदर थिंग्स दैट अकंपनी इट, दैट एंटायर थॉट प्रोसेस। सो यू माइट डिसाइड इन दैट केस टू गिव एन आंसर विच इज बोथ। यू कुड से सर इन माई व्यू दिस आंसर इज ऑल्सो पॉसिबल एंड दिस आंसर इज ऑल्सो पॉसिबल। सो आपने क्या किया, आपने वो पूरी आइडिएशन की प्रक्रिया के अंतर्गत अच्छी तरह विचार किया और एक नया मैसेज क्रिएट किया। तीन संभावनाएं थी, आप उत्तर नंबर एक देते, आप उत्तर नंबर दो देते, और तीसरी संभावना आपने इस्तेमाल की कि आपने उत्तर एक और दो दोनों को एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ दिया। देख रहे हैं, यह आइडिएशन एनकोडिंग की प्रोसेस है। तो इससे बना मैसेज, अब यह मैसेज भेजना, इस मैसेज से दो तत्व इंपैक्ट हो रहे हैं। जब आपने मैसेज बनाया तो आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं इसको शब्दों के माध्यम से यानी वर्बली दूं या गैर शाब्दिक तरह से दूं, ये भी हो सकता है। इसको मैं अगर शब्दों के माध्यम से दूं तो मैं बोल के दूं या लिख कर दूं, लिख के दूं तो मैं एसएमएस करूं या ईमेल कर दूं या चिट्ठी लिख दूं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो मीडियम आपने ये डिसाइड किया। उसके उपरांत आपने ये डिसाइड किया कि अगर आपने कहा मैं पत्र से लिख रहा हूं, कागज पे लिख रहा हूं, तो वो कागज आप स्पीड पोस्ट कुरियर से भेजेंगे या कैसे भेजेंगे, इंटरनेट के माध्यम से। सो बेसिकली मैसेज भेजने के तरीके, मीडियम है चैनल, वह मैसेज ट्रांसमिशन हो गया और पहुंचा रिसीवर के पास, रिसीवर ने डिकोड किया। फिर आप देखिए ट्रांसमिशन, यहां पर डिकोडिंग हुई, यहां पर डिकोडिंग हुई और फीडबैक दिया। फीडबैक पर हम लोग काफी चर्चा पिछली बार कर चुके हैं, हम फिर अभी बात करेंगे उस बारे में कि फीडबैक महत्वपूर्ण क्यों है। अब मैं ये दो हिस्से यहां से हटाकर इन पर एक एक आपको विस्तार से बताता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ध्यान रखिएगा, स्टेप्स प्रोसेस एंड एलिमेंट्स हैव अ लॉट शेयर अ लॉट इन कॉमन, बट दे आर थ्री डिस्टिंक्ट थिंग्स।
एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आपकी आसानी के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहां पर थोड़ा सा आपको कुछ शब्दों में लिख दूं ताकि आप उसको बेहतर आत्मसात कर पाए। द सेंडर एनकोड्स, लेकिन नॉट जस्ट एनकोड्स, द सेंडर आइडिएट्स एंड एनकोड्स। जो सेंडर के दिमाग में विचार है वह आइडिया क्रिएशन सेंडर करता है और उसको एनकोड करता है। तो जो उसके दिमाग में विचार है उसको कंसेप्चुलाइज करने का काम एनकोडर का है। कंसेप्चुलाइज करना, उस विचार को पूरी तरह फॉर्म करना, यह देखना कि वह विचार किस बेस्ट तरीके से रिसीवर तक पहुंच सकता है। क्योंकि फॉर इंस्टेंस, अगर आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं, मान मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, और आप एक आम साइकिल के रिपेयर मैकेनिक के पास जाते हैं, आप उससे कुछ बात करना चाहते हैं, अगर आप एंगुलर मोमेंटम और इस तरह के टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो आप भाषाई रूप से सही होंगे, लेकिन जो रिसीवर है, जो जिससे आपको कम्युनिकेशन करना है, वो एंगुलर मोमेंटम नहीं समझ पाएगा। उसको आपको उसकी लेवल पर जाके समझाना पड़ेगा। सो आपने क्या किया, आप जब आइडिएट कर रहे हैं तब तो आप अपने आप से आइडिएट कर रहे हैं, लेकिन जिस समय आप एनकोड कर रहे हैं आप ये भी ध्यान दे रहे हैं कि ये टारगेट ऑडियंस कौन है आपका। उस टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आप अपने मैसेज को, कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वरना एनकोडिंग एरर हो जाएगा। हम एरर्स पे भी आएंगे। देखिए यहां पर हमने नॉइज और बैरियर की बात की है, ये एरर्स की ही बात करता है, लेकिन हम उस पर वी कम टू इट बाय एंड बाय इन सीक्वेंस। Then of course medium is not very difficult to understand. It is the most direct form, whether you will use a letter, you will use verbal communication, oral communication, that is not too much. Channel is of course also fairly simple to understand. That agar aapne samjha ki main likhit shabdon ka prayog karunga, to ye aapne decide kiya written word, yahan par aapne written decide kiya, aur channel mein aapne decide kiya ki main email kar dunga, या किसी और संदर्भ में हो सकता है कि आप डिसाइड करें कि मैं ईमेल नहीं करूंगा, मैं एसएमएस कर दूंगा। ठीक है, अब जो क्रूशियल रोल सेंडर का था कंसेप्चुलाइज करने का उस आइडिया को, उतना ही क्रूशियल रोल रिसीवर का भी है। ओके, जैसा कि मैंने आपसे बोला, सेंडर का काम कंसेप्चुअलाइज करना है विचार को और उसको पूरी तरह एनकोड करना है, कीपिंग इन माइंड द रिसीवर। यह जिम्मेदारी सेंडर की है, लेकिन कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो पाने के लिए और ढंग से कंप्लीट, पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो पाने के लिए रिसीवर की जिम्मेदारी है कि इंटरप्रिटेशन सही करे। सेंडर का काम है जो ओरिजिनल आइडिया आया उसको, उस कॉन्सेप्ट को ढंग पूरी तरह प्रॉपरली एनकोड करे, और रिसीवर की जिम्मेदारी है कि जो उस तक मैसेज पहुंचा, चाहे शाब्दिक रूप से चाहे गैर शाब्दिक रूप से, उसको डीकोड करके पूरी तरह इंटरप्रेट करे, ताकि ये आइडिया जो ओरिजिनल आइडिया था वापस इसके ब्रेन में पहुंच पाए। ध्यान दीजिए, दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन बीइंग सक्सेसफुल इज ऑफ बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। अब इसने समझा और इसने उसके अनुसार काम किया, मैसेज कुछ भी हो सकता है,
लेकिन जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था, इसके बाद की प्रक्रिया संभवतः सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस में, दैट इज फीडबैक। और फीडबैक देने की जिम्मेदारी भी रिसीवर की है। फीडबैक आई हैड एक्सप्लेन्ड टू यू वेरी वेल, एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि जब आप फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं और उधर से लंबी बात हो रही होती है, आप थोड़े थोड़े कुछ कुछ सेकंड्स में या तो आप बात कर रहे होते हैं या वो बात कर रहे होते हैं, आप सुन रहे होते हैं वगैरह, सो दूसरा सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है, हाँ हूं, अच्छा हाँ मैं कर दूंगा, थोड़ी थोड़ी देर में वो कंफर्मेशन देता है कि जो आप मुझे भेज रहे हो मैसेज वो मैं रिसीव कर रहा हूं और जो आप भेज रहे हो, तो मेरे रिस्पॉन्स से भेजने वाले को भी समझ में आ रहा होता है कि जो मैं क्या, सपोज वो कोई बड़ी खुशी की बात कहे और मैं बदले में ऐसा जवाब दूं जो जिससे उसको आभास हो कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है, तो उसके दिमाग में शक आएगा कि कहीं कम्युनिकेशन में एरर हो रहा है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारे रिस्पॉन्सेस एक तो हाँ हूं, मैं यहां मौजूद हूं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, मैं फिजिकली आपकी बात सुन पा रहा हूं, ये है, लेकिन और जो मेरे जवाब होते हैं उनमें, या जरूरी नहीं फोन कॉन्वर्सेशन की बात करें, मैंने आपको बताया था एक कोई मान लीजिए संगीत गोष्ठी हो रही है या कोई कवि अपनी कविताएं कर रहा है, भारतीय संगीत में आपने बहुधा देखा होगा लोग झूमते हैं राइट, बीच बीच में तालियां भी बजा लेते हैं या दाद देते हैं, वाह 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 वाह, तो कभी को ये समझ में आ रहा होता है कि मैं जो कह रहा हूं वो पहुंच रहा है सामने। सपोज कवि अपनी तरफ से बहुत बढ़िया बारीक कोई लाइन बोले जिस बहुत ही गूढ़ अर्थ हो और सामने से कोई जवाब ना आए, सब स्टोन फेस्ड बैठे रहे, तो कवि को भी ये समझ में आ जाएगा कि फीडबैक की कमी की वजह से कहीं कुछ कमी है। आप मेरी बात समझे, अतः फीडबैक इज द मोस्ट क्रूशियल कॉम्पोनेंट। आपकी समझ के लिए मैं यहां पर कुछ लिख भी देता हूं, आसान रहेगा आपको समझना, हम इतनी जगह और क्रिएट कर रहे हैं, ये आप समझ चुके हैं ऊपर से, अब हम फीडबैक की बात कर रहे हैं। फीडबैक इज इंपॉर्टेंट because it implies that the receiver / decoder has understood the sent message completely यानी फीडबैक वह एलिमेंट है कम्युनिकेशन का या वह स्टेप है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का जो कंप्लीट करती है उस पूरी प्रक्रिया को जिसमें सेंडर या एनकोडर को यह कंफर्म होता है कि मेरा विचार जो मैंने आइडिएट किया था पूरी तरह से रिसीवर तक पहुंचा है, रिसीवर द्वारा सही तरह से डीकोड किया गया है। ध्यान दीजिए, अगर इनको एनकोडिंग का कोड अलग है और डीकोडिंग का कोड अलग है तो भी एरर आ जाएगा, यह सब हम नॉइज और बैरियर्स में चेक करेंगे, ठीक है। सो फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ यू विल नोटिस अभी तक यहां तक की प्रोसेस इज मोर और लेस कॉमन बिटवीन स्टेप्स प्रोसेस एंड एलिमेंट्स, इसको मैं हटा दे रहा हूं। सो पिछले सेशन और इस सेशन में मिला के अगर लबो लुआब यह निकलता है कि कम्युनिकेशन क्या है, आइडिएशन होता है, एनकोडिंग होती है, ट्रांसमिशन होता है, डिकोडिंग होती है, मीनिंग निकलता है और फीडबैक दिया जाता है, प्रोसेस कंप्लीट, फीडबैक भी पूरी तरह पहुंच गया कंप्लीट, तो ये दो चीजें क्या है, एक है कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ और दूसरा नॉइज यानी बैरियर्स। ये मेन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है लेकिन यह दोनों एस्पेक्ट कम्युनिकेशन को बहुत ही ज्यादा हद तक अफेक्ट करते हैं, उस पर असर डालते हैं, इसलिए हमको ये समझने की जरूरत है। अब कॉन्टेक्स्ट को हम
समझे, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमने जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात की थी। मैंने आपसे बोला था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टोटल ओरल कम्युनिकेशन का कम से कम 3/4 है, उससे ज्यादा है। यानी हमारा जितना बोलने वाला शाब्दिक कम्युनिकेशन होता है उसका ज्यादातर हिस्सा बिना शब्दों के होता है। अजीब सी बात है ना। उसी तरह यह महत्वपूर्ण संदर्भ भी है। संदर्भ का मतलब या कॉन्टेक्स्ट का मतलब आएगा फिर आपकी समझ के लिए। मैं यहां बताता हूं, कॉन्टेक्स्ट इज द एंटायर एनवायरनमेंट इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। इट इंक्लूड्स प्लेस, टाइम, इवेंट, एटीट्यूड्स, परसेप्शंस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सो कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ इज द एंटायर गैमेट ऑफ थिंग्स, द एंटायर एनवायरमेंट इन विच द कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस। इट इंक्लूड्स द प्लेस, टाइम, इवेंट, मौका, एटीट्यूड, परसेप्शन ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर। जो भेजने वाला और प्राप्त करने वाला, दोनों की वैचारिक स्थिति क्या है, दोनों कितना पढ़े लिखे हैं, क्या दोनों एक से पढ़े लिखे हैं, क्या दोनों की भाषाएं एक समान है, क्या दोनों एक ही जगह पर हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आम तौर पर शादी विवाह में हम में से बहुत सारे लोग और खास तौर पर लेडीज हमारे परिवारों की, हमारे समाजों की, हमारे मित्रों में बहुत ट्रेडिशनल घाघरा चोली और बहुत अलंकृत वस्त्र पहन के जाती हैं। ठीक है, वो एक खुशी का मौका होता है, एक बड़ा ओकेजन होता है और बहुत अच्छे हम लोग भी कई बार बहुत बढ़िया शेरवानी, अचकन, चूड़ीदार, बड़ा सा साफा, इस तरह के कपड़े पहन के जाते हैं। किंतु आज के समय में, इन दिस डे एंड एज, इन दिस सेंचुरी, 21st सेंचुरी, हम उस तरह के कपड़े पहन के एक अपने नौकरी के इंटरव्यू में नहीं जाते। दोनों महत्वपूर्ण ओकेजंस हैं, दोनों हमारे लिए बड़ी घटनाएं हैं। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, द डिफरेंस ऑफ प्लेस, टाइम, इवेंट, एटीट्यूड, परसेप्शंस एंड वेरियस अदर थिंग्स डिक्टेट्स द ड्रेस दैट वी आर वेयरिंग। एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट ड्रेस वी आर वेयरिंग। या अगर किसी के घर में गमी हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो हम बहुत चमकदार सुंदर कपड़े पहन के नहीं जाते, आमतौर पर साधारण से कपड़े, या कुछ लोग तो सफेद कपड़े पहनकर जाते हैं। So, यह बात हुई संदर्भ की। अब नॉइज और बैरियर अपने आप में एक पूरे पूरे श्रृंखला के एक करने का जरूरत है उसमें, तो हम उसको अगली बार बात करेंगे आपसे। फिलहाल अभी हम संदर्भ पर ही खत्म करते हैं। सो वी हैव कवर्ड अ फेयर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट टाइम राउंड वी शैल बी टॉकिंग अबाउट नॉइज इन कम्युनिकेशन। व्हाट इज नॉइज, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, हाउ इज इट क्रूशियल, and the various barriers to effective communication. That shall lead us to a talk on what is effective communication and why is it crucial to us. Thank you. Namaskar.